थाना सदर बाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को चोरी की 12 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना सदर बाजार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने जीपीओ तिराहे से चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्त आकाश, अक्षय, गौरव, अंकित व राकेश को 3 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर रेलवे क्वार्टर खंडर से 6 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल कटी हुई वे एक स्कूटर एक्टिवा भी बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त अलग अलग जगहों से वाहन चोरी करके उनको काटकर कम दाम में बेचने का काम करते थे। देखिए, ये वाहन चोरी का और उसके बाद में उसके उसको काट के बेचने का, उसके पार्ट्स को बेचने का और इस प्रकार के इलीगल जो है व्यवसाय करने का एक गैंग है जो अंतरराज्यीय गैंग है। इनके पास में कुछ घटनाएं इन्होंने जो है थाना यमुनानगर से करी हैं, कुछ घटनाएं यहाँ पर हमारे इस जनपद में करी हैं। कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और जैसा कि आप जानते हैं 5 इसमें अभियुक्त जो कि अलग अलग चरणों में इसमें जो है जुड़े हुए थे, मोटरसाइकिल को चोरी करने वाले, फिर उसको बेचने वाले या उसको काटने वाले। तो ये समग्र गैंग का पर्दाफाश थाना सदर बाजार की पुलिस ने सीओ सेकंड के नेतृत्व में किया है। तो जो बाइकें मिली हैं उनका जानकारी मिली? हाँ, मैं आज पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। अभी 4 दिन पहले, ये बिल्कुल परफेक्ट पुलिसिंग का ये नमूना है, 4 दिन पहले अभी सीओ सेकंड साहब के ही क्षेत्र में थाना जनकपुरी में 2 अभियुक्तों से 4 मोटरसाइकिलें बरामद करी गई थी और उसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा था, गौरव। जब उस गौरव के पीछे जो है पुलिस लगी रही और उसकी जो है काफ़ी अपने सर्विलांस की मदद ली और उसने बेसिक पुलिसिंग करी तो गौरव और उसके कुछ साथी गिरफ्तार हुए। तो कुल मिलाकर के पिछले 5 दिन के या पिछले 1 सप्ताह के भीतर हम कह सकते हैं कि ये 16-17 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है और हमने उसमें 5 और 2-7 अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार किया है। कहाँ कहाँ बेचते? ये इन्होंने कई जगह बेची हैं, ज़्यादातर जो है चूँकि घटनाएँ इस जनपद की करी हुई हैं, यहीं पर इन्होंने बेची हैं। नंबर प्लेट्स बदल देते थे और इसके चेसिस नंबर वगैरह चेंज कर देते थे। इसके अलावा जो इस प्रकार से नहीं बिक पाती थी तो इनमें एक राकेश नाम का अभियुक्त है जो कि इन मोटरसाइकिलों को काट कर इनके पार्ट्स अलग अलग करके भी जो है बेच दिया करता था। इनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। मैंने इसमें काफ़ी डिटेल इसमें आपको जो है जो प्रेस नोट आपको दिया गया है इसमें आपराधिक इतिहास भी जो है उसका वर्णन किया है। ये कागजात वगैरह कहाँ से बनाते हैं सर? देखिए, कागजात तो अभी जैसे इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये कागजात वाला अभी कुछ दिन पहले गैंग पकड़ा था, इनके बारे में अभी तक इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। ये तो जो है चूँकि पार्ट्स वगैरह को बेचने का भी काम करते हैं तो कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ती है।